टीवी की पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है। वहीं हमने देखा कि अभीरा और अरमान की जिंदगी में युवराज फिर से लौट आया है और दोनों की जिंदगी में तबाही मचा रहा है। और इतना ही नहीं, अभीरा से शादी करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। और वहीं हमने देखा कि अभीरा युवराज की काफी पिटाई भी करती नजर आती है, लेकिन घर में आने के बाद अभीरा युवराज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है और वहीं अरमान से भी कुछ नहीं बताती, बस डरी हुई दिखाई देती है। और वहीं आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि अरमान अभीरा से बोलता है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी अभीरा अरमान को कुछ नहीं बताती है और अरमान को जयपुर जाने की पैकिंग करने लगती है। और वहीं अरमान के फूफा से युवराज से मिलते हैं और उसे दुबई भेजने का फैसला करते हैं और युवराज की टिकट भी बुक कर देते हैं। और इसके बाद अभीरा किचन में बैठकर अपने लैपटॉप के जरिए युवराज की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी वहां रूही आ जाती है और अभीरा को सुनाने लगती है। और वहीं आपको बता दें कि अभीरा और रूही आपस में झगड़ने लगते हैं और इसके बाद अभीरा अरमान को जयपुर भेज देती है। और वहीं दूसरी तरफ अभीरा और रूही के बीच एक बार फिर विद्या को मंदिर ले जाने के लिए झगड़ा होने लगता है और रूही मना कर देती है कि वह अभीरा के साथ कार में नहीं जाएगी और माँ को भी नहीं जाने देगी। और वहीं विद्या के समझाने के बाद रूही अभीरा के साथ जाती है और फिर मंदिर में अरमान रूही को मैसेज करता है और उसके बाद अभीरा को भी मैसेज करता है। और वहीं अरमान रूही को बोलता है कि वो अभीरा से कुछ भी ना बोले। और वहीं मंदिर में अभीरा, रूही और विद्या पूजा के बाद घर जाने के लिए निकल जाते हैं और तब युवराज विद्या को किडनैप कर लेता है। और फिर अभीरा अपनी सासू माँ को बचाने के लिए युवराज का पीछा करती है और उस समय अभीरा युवराज के कार के आगे आ जाती है और उसे डराने के लिए उसकी कार के टायर पंक्चर कर देती है और फिर युवराज के गले पर पेचकस को रख देती है। और अब शो में आगे देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अभीरा विद्या को बचा पाती है या और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.